मुझे एक्चुअली रिलीजिंग डेट और टाइम पता नहीं था कि गाना कब आएगा, इसलिए मैंने एक वीडियो प्रिपेयर किया था रिचेस्ट रैपर्स ऑफ इंडिया एंड वो मैंने जस्ट आज ही डाला, मतलब ये रिएक्शन जब मैं अपलोड करूंगा उसके एक घंटे पहले, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोग को देखना है तो ज़रूर वो वाला वीडियो पूरा देखिएगा। और क्या हालचाल, क्या बोलते हैं पॉप सुनने वाली पब्लिक, दिस इज तरुण फ्रॉम इंदौर एंड आई एम बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन स्लैश रिव्यू ऑन कृष्णा एक्स जेट्रिक्स एक्स सबस्पेस। यस सर, सो फाइनली लाइक बहुत लोगों की एक ख्वाहिश थी कि जेट्रिक्स और कृष्णा को साथ में देखे। अब ये ख्वाहिश क्यों थी? ख्वाहिश इसलिए थी क्योंकि जेट्रिक्स के अगर आपने पुराने गाने नहीं सुने, इज्जत एंड पहचान एंड ऑल, वो बहुत सही गाना है। लिरिकली बंदा बहुत क्रेजी है उसका। अभी लेटेस्ट गाना ईस्ट साइड फ्लो, भाई यार क्या फ्लो सोचेज है, क्या फ्लो पकड़ा है, क्या बीट को पकड़ के चला है, नेक्स्ट लेवल है बंदा। उसकी लिरिकलिटी सब कुछ टॉप नॉच है एंड एट द सेम टाइम कृष्णा इज एट द सेम लेवल, उसकी भी लिरिकलिटी बहुत सही है, बीट को बहुत सही तरीके से पकड़ते हैं, फ्लो सोचेज बहुत सेक्सी रहते हैं। सो यस सर, इसीलिए चाहते थे कि दो लिरिकल जीनियस एक वीडियो में एक गाने में आए तो किस टाइप का आउटपुट मिलेगा पूरी हिप हॉप ऑडियंस को। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाना सुनने के लिए। तो बाकी का जो भी रिव्यू वाला पार्ट रहेगा वो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि उससे नॉलेज शेयर होगी और गेन होगी और आप लोग कॉमेंट सेक्शन में भी अपने चीज़ें बता पाएंगे। तो बाकी की जो बातें रहेंगी वो हम लोग करेंगे रिव्यू वाले पार्ट में। टिल देन लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। ADHD तेरी बंदी मेरा लेके पे नहीं कर दी, वो बोली और कुछ ले ले, उसके अलावा मैं कुछ दे नहीं सकती। डायरेक्टर ग्रिम, ये रातों को जाग के मैंने जो करता वो जिंदगी मेरी मजाक नहीं, रुकते ना आंधी के आने से, सर फिरे लड़के जो आदत से पास नहीं, दिक्कतें काफी है देखी है धूप तो झेले है मैंने बरसात कई, बातों से माने ना लोग तो छोड़े हैं घुसे और मारे हैं लात कई, ये वो खानदानी स्टाइल बाप जैसा बेटा मैं रुकता नहीं भाई। यही फ्लो स्विच की मैं बात कर रहा था, यही फ्लो स्विच की मैं बात कर रहा था। डिड यू सी, डिड यू कैच दैट, कितना सेक्सी फ्लो स्विच था। अचानक से एक और बार पकड़ो। आदत से पास नहीं, दिक्कतें काफी है देखी है धूप तो झेले है मैंने बरसात कई, बातों से माने ना लोग तो छोड़े हैं घुसे और मारे हैं लात कई, ये वो खानदानी स्टाइल बाप जैसा बेटा मैं रुकता नहीं भाई, खाता जहाँ पे मैं थूकता नहीं भाई, हक्का हूँ खाता मैं लूटता नहीं भाई, साथ दिया जिसने भी भूलता नहीं भाई, औरों के बीच ज्यादा खुलता नहीं भाई, कच्चा मैं अपने उसूल का नहीं भाई हूँ, मैं गिरता डेली क्योंकि रोज कर उठ रही है, अजीब सी तलब है बरकत ना मिलती तो होती है तड़प है, बहुत सारे कहते थे अगेन थर्ड फ्लो स्विच नहीं भाई, औरों के बीच ज़्यादा खुलता नहीं भाई, कच्चा मैं अपने उसूल का नहीं भाई, हूँ मैं गिरता डेली क्योंकि रोज कर उठ रही है, रास्ते में आते थे लोग भी तो काफी, पर माफ किया तुझको तो माँ किए झलक, रोज करू काम। क्या बात है, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट जेट्रिक्स, दिस सॉन्ग इज ऑल अबाउट जेट्रिक्स, जो अभी जेट्रिक्स गा रहा है अपने बारे में, इट्स ऑल अबाउट हिम, it's all about him and the way he is representing himself in this song, his hard work, his hustle and the way he treats people and be with people wo justify karta hai ye cheez hai, very nice। सुनी बस खुद की अब छू लेना फलक है, जीता तो स्वर और हारा तो ना रखे, तेरी जला के लगाते ये बर्फ है, रास्ते में आते थे लोग भी तो काफी, पर माफ किया तुझको तो माँ की ये झलक है, माफ किया तुझको तो माँ की ये झलक है, यू नो मदर ऑलवेज फॉरगिव्स देयर पीपल देयर सन, हमेशा नो मैटर व्हाट, तो वही माँ की ये झलक है, नाइस वन। लगाते ये बर्फ है, रास्ते में आते थे लोग भी तो काफी, पर माफ किया तुझको तो माँ की ये झलक है, रोज करूँ काम रोज पड़े दाम, रोज बड़ा नाम रात सुबह शाम। फोर्थ स्विच मैन, क्रेजी। स्वर और हरा तो न रखे, तेरी जला के लगाते ये बर्फ है, रास्ते में आते थे लोग भी तो काफी, पर माफ किया तुझको तो माँ की ये झलक है, रोज करू काम रोज पड़े दाम, रोज बड़ा नाम रात सुबह शाम, सोचना आम कोई ना लगाम, कैची जुबान सबको सलाम, जो भी है साथ हो ये भाई लोग भी सारे हैं काम में माहिर, बनाते महफिल जहां होते शामिल, लिखावट ऐसी ना है सबको हासिल, भरे पन्ने ऐसे हुए सब मुतासिर, अब करते जो मर्जी कमाते हैं पैसे तो लगती है जिंदगी बहुत सही। दैट एकापेला वाज नाइस, दैट एकापेला वाज नाइस एंड उस एकापेला से ही हुक की स्टार्ट थी। ओके है काम में माहिर, बनाते महफिल जहां होते शामिल, लिखावट ऐसी ना है सबको हासिल, भरे पन्ने ऐसे हुए सब मुतासिर, अब करते जो मर्जी कमाते हैं पैसे तो लगती है जिंदगी बहुत सही, बहुत सही लगती है जिंदगी बहुत सही, बहुत सही, रुकने का हमें कोई शौक नहीं, लगती है जिंदगी बहुत सही, बहुत सही लगती है जिंदगी बहुत सही, बहुत सही लिया मैंने कोई लॉस नहीं, अब लिखूं जो वर्स भी हिलती है धरती, रैपर जो फर्जी है खौफ में, मेरे शहर में लौंडे है सॉफ्ट नहीं, स्विंग इन द आयरन यू गोल्फ नहीं, कृष्णा जब आया तो बीफ का सफाया गा, रक्षकों के पास जॉब नहीं।
कृष्णा जब आया तो बीफ का सफाया, गौ रक्षकों के पास जॉब नहीं। गौ रक्षक क्या करते हैं, गाय को बचाते हैं उनको बीफ बनने से, उनको स्लॉटर होने से गाय को बचाते हैं। ये आया तो बीफ का खात्मा, तो उनकी जॉब चली गई। क्रेजी मैन, इसलिए मैंने कहा था ही इज अ जीनियस, ही इज अ जीनियस, दिस इज नेक्स्ट लेवल मैन, नेक्स्ट लेवल। लिखूं जो वर्ष भी हिलती है धरती, रैपर जो फर्जी है खौफ नहीं, मेरे शहर में लौंडे है सॉफ नहीं, स्विंग इन द आयरन यू गोल्फ नहीं, कृष्णा जब आया तो बीफ का सफाया, गौ रक्षकों के पास जॉब नहीं, किल किया तब मैंने किल किया, आज जब दिल किया भैया मैंने किल किया, साफ मैंने मिल किया बात हासिल किया, ताज यू डोंट रियली वांट स्मोक खोल दो खिड़कियां, आज शैतान देखो पीठ पे सवार, असली में हार्ट टू स्ट्रीट में सवार, वीक है ना बार ये जीते ना चाल, गांधी के विचार पर बीट पे जवार, बाकी जब जान तो वाकई में शान, असली जब काम तो सुनती आवाम, तरक्की पे ध्यान तो सबको सलाम, पर वार के तूफान में ये कलम भी अब्दुल असली जब काम तो सुनती आवाम, तरक्की पे ध्यान तो सबको सलाम, पर बार के तूफान में ये कलम भी अब्दुल कलाम, आई कॉल इट कलामटी, हाँ इनका फैन बेस बनावटी, हाँ इनका तो स्टाइल है कॉमेडी, हाँ हाँ क्वांटिटी है पर क्वालिटी कहाँ, मैं तो यहाँ ऑलरेडी था, क्वांटिटी है पर क्वालिटी का, ओके ओके ओके, देयर वी गो अगेन, इनका तो स्टाइल है कॉमेडी, हाँ हाँ क्वांटिटी, इनका स्टाइल तो कॉमेडी है, हाँ पर क्वालिटी का, मैं तो यहाँ ऑलरेडी था, उम्र जब 16 थी दो रे मी फा, कलकत्ता शहर में जेट्रिक से दोस्त, बाकी तो मेरा वहाँ कोई ना मित्रा, रेज इन द पब्लिक, ओके ओके, मेरा वहाँ कोई नहीं मित्रा, सिर्फ जेट्रिक से दोस्त, कलकत्ता शहर में जेट्रिक से दोस्त, बाकी तो मेरा वहाँ कोई ना मित्रा, रेज इन द पब्लिक, इन द पाथ हसल थी रेल मेरी, मैं तो कभी लेजी, फ्लो स्विच, मैंने वही कहा था, मैंने कहा था फ्लो स्विच इज लिरिकैलिटी टॉप नॉच, मैंने कहा था दिस इज क्वालिटी के मामले में दिस इज अबव 100 ब्रो, अबव 100 पर क्वालिटी का, मैं तो यहाँ ऑलरेडी था, उम्र जब 16 थी दो रे मी फा, कलकत्ता शहर में जेट्रिक से दोस्त, बाकी तो मेरा वहाँ कोई ना मित्रा, रेज इन द पाप लेज इन द पाथ हसल थी रेल मेरी, मैं तो कभी लेजी ना था, मैं तो बार्स का गुलाम पर कैदी ना था, खुले आम ले लू जान दे तो मेरी, मैं बार्स का गुलाम लेकिन कभी कैदी ना था, मैं बार्स का गुलाम, I love bars, I live for bars, मैं उसका गुलाम हूँ लेकिन मैं कैदी नहीं था, I spit him out, yes sir, बात हसल थी रेल मेरी, मैं तो कभी लेजी ना था, मैं तो बात का गुलाम पर कैदी ना था, खुले आम ले लू जान दे तो मेरी सजा, अब करते जो मर्जी कमाते हैं पैसे तो लगती है जिंदगी बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, वो क्या बात है, बहुत सही, रुकने का हमें कोई शौक नहीं, शौक नहीं, लगती है जिंदगी बहुत सही, बहुत सही, लगती है जिंदगी बहुत सही, अप्रिशिएट द बीट ब्रो, appreciate the beat also man, appreciate the beat, amazing work by Subspace, amazing, ab karte jo marzi, jtrix wep bahut se streaming across all platforms in January 2021, yes sir, मेरे कलम के लकीर जैसे फकीर बंदे जंजीरों में, दिल तो कब का खो गया, बस दर्द भरा है सीने में, क्या लायक का वो जीप, हाइलाइट्स ऑफ लिरिक्स एंड फ्लोस की बात करूं तो उससे मेरे को बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं क्या बात करूं भाई, मुझे जरा समझाओ मैं क्या बात करूं, इसमें कुछ इतने हैवी बार्स थे कि वो मिस हो रहे थे, मैं सुन रहा था, मैं 5-5 सेकंड रिपीट करके सुन रहा था, पर मैं सोच रहा था ये बोल क्या रहे, फिर जो बोला वो समझ में आया उसका मतलब, फिर सोचने लगा मैं, इतने हैवी क्वालिटी बार्स ब्रो, इतने हैवी क्वालिटी बार्स, तो यार लिरिक्स और फ्लोस को हम लोग अभी साइड में रखते हैं, ये तो भाई जनता को भी पता है ये कितना नेक्स्ट लेवल था, सीधे इसको रेटिंग में मिलेंगे, अभी चलते हैं इंस्ट्रूमेंटल की तरफ, करता क्यों फील अकेला तू, उसके चक्कर से क्यों रोता है वेला तू, जलेगा आग की लपटों से खेला तू, कमाता कागज का लाखों में ठेला तू, इंस्ट्रूमेंटल की अगर मैं बात करूं तो Subspace, शाउट आउट टू Subspace, हैट्स ऑफ मैन, अमेजिंग बीट, बहुत सही सही साउंड इफेक्ट्स थे बीच में, जो एक बीच में बीट छोड़ दी पूरी सुन कर दी, इसमें एकपेला था एंड देन बीट ड्रॉप पे वो हुक पूरा मैच होता है, ब्रिलियंट ब्रो, ब्रिलियंट, बहुत सही यार, बहुत सही काम किया, यू नो फॉर टू जीनियस, अ जीनियस प्रोड्यूसर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, सो दैट वॉज Subspace फॉर यू गाइज, मैं मेरे पंचर स्टूडियो में रहते हैं दिन रात काम करे जमकर, बीट पे है फ्लैम होए खड़े नहीं रहने का टाइम छोड़े जमकर, म्यूजिक वीडियो की बात करें तो म्यूजिक वीडियो अगेन लाइक इस टाइप की म्यूजिक वीडियोस भी हमने देखी हुई है, तो म्यूजिक वीडियो में कुछ वैसा वाला खास नहीं था, बट अगेन प्रोडक्शन क्वालिटी टॉप नॉच, पैसा खर्च किया है बहुत ज्यादा, कज या प्रॉपर पूरा शूटिंग वूटिंग सब करते हैं, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, बिकॉज दे आर अ लेबल एंड एवरी रैपर शुड इन्वेस्ट इफ दे आर इन टू रैपिंग,
सो म्यूजिक वीडियो का प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत हाई था, अच्छा था, तो मुझे पसंद आया। लेट मी नो आप लोगों के क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में। मेरे अल्फाज जिम्मेदार, ये कसूर है हजार, मेरे सपनों का मौत हुआ कौन गुनहगार, बातें बड़ी है पर छोटे। T.7 रेटिंग की बारी है, तो T.7 रेटिंग की अगर हम लोग बात करें तो हाइलाइट्स ऑफ लिरिक्स एंड फ्लोस को 7 out of 7, लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम मैं शायद से किसी रैपर को प्रॉपर 7 out of 7 दे रहा हूँ अपने किसी रिएक्शन वीडियो में। 7 out of 7 फॉर हाइलाइट्स ऑफ लिरिक्स एंड फ्लोस, डिलीवरी को 6.8 out of 7, इंस्ट्रूमेंटल को 6.5 out of 7 एंड 6 out of 7 फॉर म्यूजिक वीडियो। इन शॉर्ट वेरी हाई रेटिंग, वेरी हाई रैंकिंग, जस्ट बिकॉज बोथ ऑफ दीज रैपर्स आर जीनियस, ब्रिलियंट एंड क्रेजी इन देयर आर्ट, अमेजिंग वर्क, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। लेट मी नो आप लोग के क्या T.7 रेटिंग है कॉमेंट सेक्शन में। With that said, I'm wrapping up with this video. In case you like this video, give it a thumbs up, like, share and subscribe. And yes sir, I hope कि यार इस टाइप की ऐसे legitimate collabs आते रहे ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया talented artist के बीच में, तो बहुत मजे आएंगे, बहुत quality गाने मिलेंगे and audience को बहुत सीखने मिलेगा। So this was my opinion. At the end, मैं जाते जाते वही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, keep loving, keep supporting and stay sexy baby.